अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है फ्रेंच फ्राइज। तो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है आलू। आलू आप अपने हिसाब से काट सकते हैं और अपने हिसाब से जितने कम ज़्यादा ले सकते हैं। कॉर्नफ्लावर और आखिरी इंग्रेडिएंट है नमक। ऐसे है, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बच्चों की फेवरेट रेसिपी फ्रेंच फ्राइज, जिसको हम आलूओं से बनाते हैं। हमने आलू ले लिए हैं, काट लिए हैं, अच्छी तरीके से धो लीजिए। एक बाउल में पानी ले लीजिए, उसमें 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे हम। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब ये वाले जो आलू हैं इसमें हम भिगो देंगे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। जी 15 मिनट गुजर चुके हैं आलू को भीगे हुए। अब हम जो है चूल्हे की आँच खोल लेंगे और इसमें रख देंगे तेल गर्म होने के लिए। एक कढ़ाई के अंदर तेल गर्म होने रख देंगे और साथ ही हम क्या करेंगे कि आलू जो है इनका पानी इसमें से निथार लेंगे। पानी हमने अच्छे से निथार लिया है। इसमें नमक डालने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो है आलू नमक पी लेता है और जो है हमें ऊपर से नमक डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम ये आलू को, ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर रखा है यहाँ पे, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। देखिए जी, आप देख सकते हैं तेल हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया। तो आप हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ये आलू को जब डालना शुरू कर देंगे। सारे डाल देंगे आलू के चिप्स हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से हिलाएंगे। देखिए आँच को अभी हम तेज़ी रहने देंगे। अगर आप नए हैं तो हमें लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं आपको अपने चैनल पे नए नए खाने बनाना सिखाऊंगी, देसी रेसिपीज, हैक्स, टिप्स एंड टोटकास, सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए जो जुड़े हुए हैं उनको खोल लीजिए। इस तरीके से हम इसको तेज़ आंच पे करेंगे ताकि अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लावर जो है ना इसका वो हो जाए। वैसे तो आलू होता बड़ा दगाबाज है क्योंकि ये कभी कभी मीठा भी निकल आता है और आलू के चिप्स ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आप इस कॉर्नफ्लोर वाले तरीके से बनाएंगे ना तो आपके आलू के चिप्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे और आपके बच्चे आपके मेहमान शौक से खाएंगे। देखिए आलू के चिप्स होना शुरू हो गया, लेकिन अब अभी हम इसको इतना पकाएंगे कि ये गोल्डन हो जाए। हमारे आलू के चिप्स हो गए हैं डन। देखिए आपको दिख रहे होंगे क्रिस्पी हैं कितने। देखिए हो गए हैं ये, अब हम इनको निकाल लें। हमेशा कोशिश करें कि जब कोई भी डीप फ्राई चीज़ निकाल लो ना तो चूल्हा बंद नहीं करें, वरना जितना भी तेल होता है ना सब उसमें चल जाता है, जो भी चीज़ होती है ना हमारी उसमें। जी तो ये क्रिस्पी से हमारे आवाज़ आ रही हो गया, क्रिस्पी से हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए जी तो ये ज़बरदस्त फ्राइज हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।